हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुबला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास टेंथ मैथ के रिवीजन कर रहे हैं। टारगेट सीबीएसई एग्जाम डे सिक्स है आज हमारा। चैप्टर वन एंड टू से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो हम क्वेश्चंस के सेट लेते जाएंगे, आप लोग सभी क्वेश्चंस को, सभी डेज के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चैप्टर वन रियल नंबर, चैप्टर टू पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट वन रेशनल नंबर। इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन मार्क में, कि क्या रेशनल नंबर बताना है रूट टू एंड रूट थ्री के बीच में। तो देखिए रूट टू की वैल्यू क्या होती है, वन रूट टू एंड रूट थ्री लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू समथिंग 1.414 होती है और इसकी होती है 1.732 समथिंग है। तो अगर हम इसके बीच में रेशनल नंबर हमें चाहिए, क्या चाहिए रेशनल नंबर, तो हो सकता है 1.5, 1.6 हो सकता है, 1.51 हो सकता है, इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। तो एक पूछा है, कोई भी एक लिख दीजिए। तो एक नंबर हो गया ना पक्के। नाउ एलसीएम निकाला 96 एंड 360 का। तो एलसीएम भी आसान है, 96 है और 360 है। तो 96 एंड 360 दोनों के एलसीएम आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 96 का क्या होता है, ठीक है, तो फैक्टर करना शुरू करते हैं। ये देखिए टू से जाएगा, दो चौक आठ, दो आठ सोलह, टू टू जा फोर, टू फोर जा टू, वन जा टू, ठीक है, टू टू जा फोर, और फिर यहाँ सिक्स आ गया और यहाँ थ्री आ गया। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इंटू थ्री। ऐसे 360 का आप कर लीजिएगा फैक्टर, 360 का फैक्टर भी कर लेते हैं, कॉपी थोड़ा खोल लेते हैं। तो 360 का फैक्टर क्या होगा, तो उसी तरह से जाएगा, चाहे 5 से कीजिए चाहे 2 से कीजिए। जैसे मैंने 5 से किया, 5 से 35, 5 दूनी 10, तभी 2 से जा रहा है, 36 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो उसके बाद ये आएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है, 2 नीम 18, और 3 से जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, और 3 2 बार है, और 5 1 बार है। अब ध्यान देना है, हमें निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए 2 की पावर 5 बार है, 2 की पावर 3 बार है, जो बड़ी पावर है उसको हम लिख सकते हैं, या 3 बार 2 तो कॉमन ही है, 2 बार और लिख लेंगे। तो सीधी सी बात है, 2 की पावर 5 बार हमने लिख लिया। ऐसे 3 की पावर 1 बार यहाँ पे है और यहाँ पे 3 की पावर 2 बार है ना, तो हम 3 की पावर 2 मैक्सिमम पावर वाला लिख लेंगे और इंटू में 5। तो अब ये कितना होगा, 32 आ जाएगा, 3 3 9 हो गया, और 9 को 5, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1440, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एलसीएम का निकालना आसान है, आराम से कर सकते हैं। पॉलिनोमियल हैविंग एक्सपोनेंट 2, अगर कोई पॉलिनोमियल जिसका एक्सपोनेंट 2 है उसको क्या बोलते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से आता होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप यहां लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रूफ करना है, 3 - √5 इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें रूट फाइव है, ठीक, तो यानी रूट फाइव के ऊपर हमें टारगेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि 3 - √5 बी आर रैशनल नंबर, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। अगर किसी नंबर को हम रैशनल नंबर मानते हैं तो क्या होता है, इसको हम पी बाय क्यू या ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि डिनोमिनेटर यानी कि बी 0 नहीं होना चाहिए। अब हम 3 को वहां भेज देंगे तो -√5 इक्वल टू हो जाएगा ए बाय बी -3, माइनस को भी आप उधर भेज दीजिए तो माइनस उधर जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब हमें शो क्या करना है, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर हो जाए तो इसका मतलब पूरी पूरी रकम इरेशनल हो जाएगी। तो रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले किया हुआ है, पिछले वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, कि लेट रूट फाइव बी आर रैशनल नंबर, हमने अपोजिट मान लिया है ना ये, तो अगर ये रैशनल है तो इसको भी हम अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि रूट फाइव को हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अलग अलग रखिएगा ऊपर और नीचे का। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू रूट फाइव क्यू, ठीक है, और आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट फाइव क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग की है, ध्यान दीजिएगा, हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया है, ये हमने यहाँ पे किया है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू रूट फाइव का स्क्वायर 5 होता है इंटू क्यू स्क्वायर, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पी स्क्वायर आ रहा है, यही मतलब है ना।
तो इसका मतलब है कि 5 इसका मल्टीपल है पी स्क्वायर का, देयर फोर 5 इज अ फैक्टर या मल्टीपल, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो ये पी का भी फैक्टर होगा, तो 5 पी का भी फैक्टर है, यानी कि 5 के पहाड़े में कहीं ना कहीं पी आता होगा, यानी 5 के पहाड़े में समथिंग मान लेते हैं आर नंबर पे पी आ रहा है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पी की वैल्यू हो गई 5 आर, तो हम पी की जगह हम 5 आर रख देंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 पी की जगह हमने रख दिया 5 आर इक्वल टू रूट 5 क्यू। अब हम फिर से वही करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 5 क्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 5 × 5 = 25 और आर स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा इंटू क्यू स्क्वायर, तब ये इससे कट जाएगा ना, 5 आ गया। तो फिर से वही बात, 5 आर का स्क्वायर जो है क्यू स्क्वायर के बराबर आ गया, आ गया ना बराबर। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो यानी 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। अगर क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो वो क्यू का भी फैक्टर होगा, ठीक है, दोनों का फैक्टर होगा। अब देखिए 5 पी का भी फैक्टर है, 5 क्यू का भी फैक्टर है, या मल्टीपल है, तो मीन्स कि दोनों का, देयरफोर एचसीएफ जो है पी एंड क्यू का वो 5 होगा। बट क्योंकि ये को प्राइम होते हैं, पी और क्यू का एचसीएफ जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो एचसीएफ और पी एंड क्यू का जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन सिचुएशन आ रही है, तो मैं यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन लिख देती हूँ, सिचुएशन है। तो इसका मतलब यह है कि रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, यही है ना, हमने रैशनल माना था और जो माना था वो गलत सिद्ध हो गया। तो इसका मतलब यह है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा का पूरा सवाल जो है 3 − √5 हम लिख देंगे, देयरफॉर 3 − √5 भी इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है क्वेश्चन, आप देखिए स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा है सब कुछ, तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करना है आपको। तो √2, √3, √5 को आराम से कर लीजिए, फिर सारे सवाल हो जाएंगे। ये बताइए एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके मार्क्स कटवा भी सकते हैं और आपको मार्क्स दिलवा भी सकते हैं, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। राइट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखना है जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं। कौन से चैप्टर से बच्चों? यस, चैप्टर 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोस कितना है, -3 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो है -10। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है आपका -b/a। तो इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, इसके नीचे भी 1 लगा लीजिए, c/a। तो हम देख रहे हैं a 1 1 है, तो a आराम से 1 निकल आया, ठीक वैसे ही -b = -3 है, माइनस से माइनस कट गया, b = 3 आ गया, एंड c is -10। क्लियर है। सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किस फॉर्म में होता है बताइए, पॉलीनोमियल वो होता है a² + bx + c की फॉर्म में, जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए और वो दिख भी रहा है। तो ये 1x² हो गया, +3x हो गया, और c − 10 है, तो यानी ये होगा x² + 3x - 10, ठीक है, 1 लगाइए, चना लगाइए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आ गया। तो चलिए 7th देखते हैं, कह रहा है इफ 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 2 है, एक रूट 2 है, k की वैल्यू निकाले यहां से। तो करें स्टार्ट करें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेवन। तो x² + 3x + k आपको दे रखा है, ठीक है बेटा। तो कंपैरिजन अगर हम करें इसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से, तो a आएगा 1, b है 3 एंड c is k, और 1 √2 दे रखा है, 2 दे रखा है ना, यही लिखा हुआ है ना। तो अदर रूट को आप मान लीजिए, अदर रूट को हम लेट कर लेते हैं, कुछ भी अल्फा मान लें, तो सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हम कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a, यानी इन दोनों को सम करो, 2 + α = -b, यानी -3/1। तो अल्फा की वैल्यू हो गई -3, और ये भी माइनस का 2 हो गया, α = -5, ये अल्फा आया, लेकिन हमें तो अल्फा नहीं निकालना, हमें तो के निकालना है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, यानी कि इनका प्रोडक्ट रूट्स का, ये 2 रूट्स है हमारे पास, 2 और α, बराबर है c/a, यानी k/1।
अल्फा की वैल्यू माइनस फाइव आई है, तो यहाँ माइनस फाइव रख दिया, इक्वल टू के हो गया, तो के इक्वल टू आ गया फाइव टू जै टेन। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर सेवन भी हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, क्या क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर फोर एक जैसे नहीं हुए? देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में भी हमें रेशन प्रूफ करना था और इसमें भी करना है, तो मैं थोड़ा सा टेक्निक दे देती हूँ, ध्यान देना है, इसमें रूट थ्री है तो रूट थ्री को ही प्रूफ करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर एट को हम ध्यान से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे लेट फाइव माइनस थ्री अपॉन थ्री रूट सेवन रूट थ्री बी आर रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ए बाय बी के रूप में, जिसमें कि बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, फाइव को पहले राइट में भेजेंगे, तो यहां बचेगा माइनस थ्री बाय सेवन रूट थ्री, ठीक है, इक्वल टू ए बाय बी माइनस फाइव, आपको कुछ नहीं करना है। अब ये जैसे वन बाय रूट थ्री है क्योंकि नीचे है, तो इस पूरी डिजिट को हम उधर भेज देते तो उधर पलट जाएगी, तो यहां बचेगा वन बाय रूट थ्री इक्वल टू होगा, इधर जाके हो जाएगा माइनस सेवन बाय थ्री, ठीक है, सेवन ऊपर थ्री नीचे, माइनस बीचों बीच लिख सकते हैं ए बाय बी, ठीक है, ये आ गया वन बाय रूट थ्री। आप इसको चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं, चाहे तो इनको पलट दीजिए, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट थ्री इक्वल टू आ जाएगा, ये पलट जाएंगे, वन के नीचे आ जाएंगे ऐसे, चाहे जो भी रखना है आपको, मर्जी है आपकी, इस तरह से रखिए चाहे सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये थ्री है, आप पे ध्यान देना है, आपको रूट थ्री को सॉल्व करना है। तो यानी अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, अब हमें ये प्रूव करना है कि रूट थ्री जो है इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। तो सारी कहानी तो वही है, अगर ये इरेशनल प्रूफ हो गया बिल्कुल वैसे ही प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ होते ये पूरे का पूरा सवाल जो है इरेशनल हो जाएगा, ये पूरा नंबर जो है इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग कर पाएंगे ये टेक्निक, आपको बस एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि ये कैसे करना है, चाहे इसको क्रॉस से कीजिए, चाहे एलसीएम से कीजिए, जैसा आपका मन करता है उस तरह से कीजिए, बस रूट थ्री को छोड़ के बाकी सारा नेक्स्ट साइड में ले जाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय। होमवर्क या आपको अगर इंटरेस्ट है तो कमेंट में इसका सॉल्यूशन जरूर करके दिखाइएगा। 90 और 120 का एचसीएफ क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की तरह है, जैसे इसमें एलसीएम फाइंड आउट हुआ था, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।